हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र से सम्मानित देश के सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र लेने वाले योगेंद्र यादव की शौर्य गाथा मैं आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। मैं गायक श्याम शास्त्री विशेष कुमार शास्त्री जी की असीम अनुकंपा से ये आला सुनिए।
दुश्मन ले दे दबाए। रात ही रातों में चढ़ सकते थे रात ही रातों में चढ़ सकते थे दिन में दुश्मन ले दे दबाए। रात दिन मंजिल तय करके दुश्मन परे दिखाए फौज घिर गई भारत बारी। लेकिन हिम्मत हारी ना बोला बरसाए फौज ने तो दुश्मन को छार उड़ाए। बोला बरसाए फौज ने समार। लेकिन चूतक नहीं माकीनी था भारत का वो सच्चा लाल सीना पे एक गोली दागी। लेकिन प्रभु दिया हाथ लगाए पांच पांच के सिक्का परस में छाती की जेब में पड़े थे जाए रपट गई गोली सिक्कन पे। भारत माने रख लई लाज करके चक सब पाकिस्तानी वापस लौटे नारे लगा आए। इतनी देर में योगेंद्र ने एक लीनी ग्रेनेड उठाए। इतनी देर में योगेंद्र ने इतनी देर में योगेंद्र ने एक लीनी ग्रेनेड
जवान सत्रह गोली खाए छाती पे, पाक को पीठ दिखाई थी ना, ऐसे ही यदुवंश खिलौना रखते सदा देश को मान, ऐसे ही यदुवंश खिलौना। युवा सैनिक कहलाए टाइगर हिल का टाइगर इनको, सेना में सब कहते जाए कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ जी ने ये लिए बुलाए 2014 में यूपी सरकार ने, इस भारती का दिया सम्मान है यदुवंश की यही खासियत, बेटे देश पे जान लुटाए दूध दही के काम में आए दूध दही माखन की ताकत। दूध दही माखन की ताकत रही देश के काम में आए, योगेंद्र यादव की गाथा मैंने आपको ये सुना है, श्यामा शास्त्री नाम हमारो, ब्राह्मण राजपुर था हमारी, विशेष तो शास्त्री गुरुजी मेरे, जो बारे मौसी के सम्राट जगबीर नगला मौंधाती के, आला लिखते सुंदर बना है अरविंद शास्त्री गौरव शास्त्री, विजय शास्त्री मेरे बेटे पास गौरव यादव विजय सक्षम करेर काटिंग जाए, श्यामा शास्त्री ने आला गाई, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्यामा शास्त्री ने आला गाई। हाँ दोस्तों, ये भी नवीन गाथा ग्रेनेडियर मेजर सूबेदार योगेंद्र यादव, जो भारत माँ के सच्चे लाल, इन्होंने 17 गोलियां खाने के बाद पीठ नहीं दिखाई पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के कई सैनिकों को टाइगर हिल पर मार करके तिरंगा चोटी पर गाड़ करके और सकुशल वापस आए 17 गोली खाने के बाद भी उन्होंने चू तक नहीं की। नीचे जब आए तो अधिकारियों ने ये समझा कि ये इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं। 90 दिन तक इनका इलाज चला। इसी दौरान भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि इन्हें परमवीर चक्र मिलेगा। सबसे कम उम्र के युवा ऐसे सैनिक हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया, एवं 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से इन्हें नवाजा। परमवीर चक्र योगेंद्र यादव की स्वर गाथा मैंने आप लोगों को सुनाई। मैं गायक श्याम शास्त्री, विशेष कुमार शास्त्री जी के